जनपद में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है, लेकिन लोगों में इसका डर देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसकी रियलिटी टेस्ट करने के लिए जब गोरखपुर न्यूज़ की टीम कई जगहों पर गई तो जो नज़ारा देखा वह आप सभी के सामने है। किसी को ना तो ओमिक्रॉन का खतरा है, ना ही तीसरी लहर का खौफ। जब इस संबंध में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ए.एन. प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनपद में केवल 15-20% लोग ही मास्क लगा रहे हैं तथा बाकी लोग बिना मास्क बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के बाहर निकल रहे हैं, जो कि अत्यंत ही घातक और खतरनाक है। उन्होंने बताया कि पहले और दूसरे कोरोना के दौर में जो लॉकडाउन दिखा उसकी नौबत ना आ जाए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इससे बचने के लिए मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा सबसे ज़रूरी बात अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ए.एन. प्रसाद ने कहा, मैं अपने नगर वासियों से, अपने जनपद के सभी वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मास्क लगाएं। मैं देख रहा हूँ शहर में मुश्किल से 15-20% लोग मास्क लगाए हुए मिल रहे हैं, बाकी लोग बिना मास्क के बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के विचरण कर रहे हैं, जो अत्यंत घातक है, खतरनाक है। और यही हमको उस दौर की याद करा रहा है कि ऐसा ना हो कि जो पहले और दूसरे दौर में हमने जो लॉकडाउन देखा वो उसकी नौबत ना आ जाए। इससे बचना है तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजेशन करें और अपनी वैक्सीनेशन समय से आगे कराएं। धन्यवाद।